नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 11 ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के सहयोग से IIT और नीट की तैयारी। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरा पट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9 साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे भदुली बाजार आजमगढ़ एडमिशन ओपन। नर्सरी 2 क्लास 9 एंड 11 GD ग्लोबल स्कूल करतालपुर आजमगढ़ एडमिशन ओपन। नर्सरी 2 क्लासेस 9 एंड 11 सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़ एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी 2 9 एंड 11 वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लचीरामपुर आजमगढ़ और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाड़ी आजमगढ़। लोकसभा चुनाव की तैयारी प्रशासनिक स्तर पर शुरू हो गई है। प्रारंभिक तौर में चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए शुक्रवार को नेहरू हॉल के सभागार में मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण दिया गया। ये सभी मास्टर ट्रेनर मतदान कर्मियों को प्रशिक्षित करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि जिला मुख्यालय में मास्टर ट्रेनर को लोकसभा चुनाव को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुरूप प्रशिक्षित किया गया है। यहां से प्रशिक्षण उपरांत ये मतदान कर्मियों को प्रशिक्षित करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण में EBM व VVPAT का सुरक्षित उपयोग करने का तरीका बताया जाएगा, साथ ही चुनाव के दौरान कौन कौन सा फॉर्म कैसे भरना है, EBM मशीन को खोलने व सील करने की तरीका की जानकारी भी दी जाएगी। साथ ही प्रत्येक मतदान कर्मियों को चुनाव की महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी ताकि शांतिपूर्ण निष्पक्ष भयमुक्त चुनाव कराया जा सके। त्रुटि रहित और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराना प्रशासन का लक्ष्य है। इसका पूरा दारोमदार मास्टर ट्रेनर पर है। चुनाव की सफलता का आधार कर्मियों का प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण जितना अच्छा और सटीक होगा, चुनाव उतना ही सरस सफल स्वच्छ पारदर्शी व त्रुटि रहित होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मतदान दल के कार्य एवं दायित्व, निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, वोटर आइडेंटिटी स्लिप, मतदाता सहायता बूथ, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के मताधिकार EVM के संबंध में बरते जाने वाले एहतियात, वेबकास्टिंग, कंट्रोल रूम, हेल्पलाइन, कॉल सेंटर, कम्युनिकेशन प्लान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही EVM, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, बीप टोन, मॉक पोल, रिजल्ट सेक्शन, एक्चुअल पोल, VVPAT सहित कागज की पर्ची पर मुद्रित विशिष्टियों के बारे में संपूर्ण प्रशिक्षण दिया गया है। आगामी लोकसभा निर्वाचन के जो तैयारियों में हमारे जो कर्मचारी मतदान और मतगणना में लगेंगे, उनकी ट्रेनिंग के लिए पहले अब मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग हो रही है और इन मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से बाकी जो हमारे कार्मिक इलेक्शन में लगेंगे उनकी ट्रेनिंग होगी। भारत निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं उससे लोग प्रॉपरली अवेयर हो जाएं और उस डायरेक्शन के अनुसार निर्वाचन कराए जाए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद UP बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा को 9 मार्च को सकुशल संपन्न करा लेने के बाद अब उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की चुनौती विभाग के सम्मुख है। इसको लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार मिश्रा के नेतृत्व में अन्य जनपदों से आई सभी कापियों के मूल्यांकन कार्य को अंतिम रूप देने के लिए विभाग लगा हुआ है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि इस बार आजमगढ़ में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए 3 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें शिबली इंटर कॉलेज पहाड़पुर, DAV इंटर कॉलेज रैदोपुर और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रैदोपुर शामिल है। उन्होंने बताया कि करीब 4000 एडेड राजकीय और वित्त विहीन शिक्षकों को मूल्यांकन के लिए लगाया गया है। 16 मार्च से मूल्यांकन का कार्य शुरू होगा जो सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा। इस दौरान माध्यमिक शिक्षा परिषद की गाइडलाइन के अनुसार जो भी नियम होंगे उसका पालन कराया जाएगा। शिक्षकों का मोबाइल के साथ अंदर प्रवेश वर्जित होगा।
मूल्यांकन कार्य सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगा। इसके अलावा मूल्यांकन कार्य को निष्पक्ष और सकुशल तरीके से संपन्न कराने को लेकर डीआईओएस स्तर के एक मजिस्ट्रेट तीनों केंद्र के लिए रहेंगे। वहीं डाइट के प्राचार्य को पर्यवेक्षक बनाया गया है। तीन विद्यालयों में मूल्यांकन काम शुरू होगा 16 मार्च से, डीएवी में, सिबली में और जीजीआईसी में। 10 से 5 तक लगातार ये चलेगा। केवल होली छुट्टी 2 दिन की रहेगी और करीब 4,000 अध्यापकों को इसमें लगाया गया है। इसमें हमारे एडेड के, राजकीय के और वित्तविहीन अध्यापक भी हैं। कितने सर गाइडलाइन दी जा रही है? गाइडलाइन इस बार बड़ी सख्ती रहेगी। सीसीटीवी कैमरे के ऑनलाइन मॉनिटरिंग में सभी हमारे मूल्यांकन केंद्र रहेंगे। बाहरी आदमी प्रवेश एकदम वर्जित होगा और सभी शिक्षक जो है अपना मोबाइल बाहर रख के अंदर प्रवेश करेंगे। कितने सर उसमें दोनों में कुछ तीनों जगहों पर हम लोग एक स्टेट डीआईएस लेवल पर बनाए हुए हैं और एक पर्यवेक्षक बनाया गया है डाइट के प्रिंसिपल को, तीनों सेंटरों की मॉनिटरिंग करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा का आजमगढ़ और मऊ जिले का दौरा विकास को समर्पित रहा। ताबड़तोड़ तमाम विकास योजनाओं को जनता को समर्पित और लोकार्पित करते हुए एके शर्मा लोकसभा चुनाव का आगाज भी करते हुए दिखे। आजमगढ़ और मऊ जिले के लिए कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने विकास बड़ा तोहफा दिया है। मऊ जनपद में घोसी, दोहरी घाट और मधुबन की रोडवेज बस स्टेशन का गुरुवार को ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने 25 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाले भवन का शिलान्यास करते हुए मऊ जनपद को बड़ी सौगात दिया है, जो पूरी तरह आधुनिक एवं सुसज्जित वातानुकूलित तथा सभी सुविधाओं से युक्त होगा। नया बस टर्मिनल बनने से जनता को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही आजमगढ़ जिले की सगड़ी विधानसभा स्थित मां कालिका सिद्ध पीठ धनछुला के जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण के लिए 1,25,00,000 की योजना का शिलान्यास किया। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि मोदी जी और योगी जी की मंशा के अनुसार विकास परियोजनाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं आने पाएगी। मैं मऊ और आजमगढ़ जिले के आवास पर था। शुरुआत हमने मोहम्मदाबाद के नज़दीक, मोहम्मदाबाद घोना के नज़दीक वलीदपुर में एक उपकेंद्र, विद्युत उपकेंद्र के उच्चीकरण के साथ हमने किया, उसका लोकार्पण करना था। बाद में घोसी जा कर के वहाँ के बस स्टेशन के पुनर्निर्माण और उच्चीकरण के कार्य का शिलान्यास किया, जो लगभग 5 करोड़ रुपए से होना है। उसके बाद मधुबन बस स्टेशन का भी उसी प्रकार से पुनर्निर्माण और उच्चीकरण होना है, लगभग 5.5 करोड़ रुपए के खर्च से होना है। बाद में हम दोहरी घाट के बस स्टेशन पर आए और वहाँ भी उसी प्रकार पुनर्निर्माण उच्चीकरण की योजना है, जो 14.5 करोड़ रुपए के खर्च से होनी है। वहाँ जनसभा भी थी दोहरी घाट में और घोसी में और मधुबन में, सभी गाँव के, नगर के लोग भी आए थे। मैंने नगर विकास विभाग के मार्फत हो रहे कामों का भी जिक्र किया। परिवहन विभाग के मंत्री श्री दयाशंकर जी का हमने धन्यवाद किया, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया, वित्त विभाग का धन्यवाद किया कि उन्होंने बहुत अल्प समय में हमारे तीनों बस स्टेशन मंजूर करने के लिए उन्होंने स्वीकृति दी। इस प्रकार एक बहुत ही विकास का काम करने का आज का दिन था। बाद में कुछ भक्तों ने, कुछ लोगों ने कहा कि माँ कालिका का मंदिर भी हमारे प्रयास से, पर्यटन विभाग के धनराशि से इसका भी कार्य विकास का होने वाला है, आपको चलना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। मेरी भावना थी यहाँ आके दर्शन करने का, गुरु जी का, माननीय पुजारी जी का सानिध्य मिला, यहाँ के क्षेत्र की जनता का भी बहुत प्रेम मिल रहा है, बहुत सानिध्य मिला। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आज यहाँ आने का मौका मिला। मऊ हो या बलिया हो, चाहे आजमगढ़ हो, पूरे मंडल के विकास पर मेरी विशेष नज़र है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र से आता हूँ। साथ ही पूरे राज्य में इस समय नगर विकास के कार्य, अभी परसों 11,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। उसी प्रकार बिजली विभाग के कामों का भी काफ़ी जोर शोर से काम चल रहे हैं। मैं इस क्षेत्र की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपकी जो भी आकांक्षाएँ और इच्छाएँ होगी, आवश्यकताएँ होगी, उसे पूर्ण किया जाए। शिवा हुंडई आजमगढ़ में शुक्रवार को क्रेटा एन लाइन गाड़ी की लॉन्चिंग की गई।
गाड़ी का अनावरण मुख्य अतिथि भारतीय स्टेट बैंक आजमगढ़ के मुख्य प्रबंधक सुमित कुमार के साथ शिवा हुंडई के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार सिंह और उपस्थित सम्मानित ग्राहकों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करने के बाद फीता और केक काट कर किया। क्रेटा एन लाइन लगभग 40 स्टैंडर्ड सुरक्षा फीचर के साथ कुल 70 सुरक्षा फीचर के साथ आती है। गाड़ी 1.5 लीटर टर्बो GDI इंजन के साथ MT और DCT ट्रांसमिशन के साथ आती है, जो कि 160 BHP की पावर और 253 NM का टॉर्क जनरेट करता है। गाड़ी में ADAS 2.0 19 फीचर के साथ आता है, साथ ही साथ ब्लू लिंक के 60 प्लस फीचर भी आते हैं। गाड़ी में ABS, EBD, HAC, VSM, 6 एयरबैग, TPMS और चारों चक्कों में डिस्क ब्रेक के साथ आती है। गाड़ी कुल 2 वेरिएंट N8 और N10 में आएगी। गाड़ी का लुक काफी आकर्षक है, जगह जगह पर रेड कलर का इंसर्ट और N लाइन की वेजिंग गाड़ी को और सुंदर लुक देती है। गाड़ी कुल 3 सिंगल कलर और 3 डबल टोन कलर में आती है। गाड़ी की शुरुआत की कीमत 16,82,301 शोरूम MT और 18,32,300 DTC में आएगी। N10 की कीमत 19,34,300 MT और 20,29,900 DCT के लिए रखी गई है। इस अवसर पर शिवा हुंडई आजमगढ़ के जनरल मैनेजर अश्विनी उपाध्याय, तालिब खान, रवि पांडे, राहुल सिंह, कमलेश यादव, दिनेश गुप्ता, विनोद कुमार, नितेश सिंह, मनोज अग्निहोत्री, कमलेश राय, राम दुबे के साथ शिवा हुंडई का संपूर्ण परिवार मौजूद रहा। चक खैरुल्ला बलीसा, वाराणसी रोड आजमगढ़ के शोरूम में क्रेटा एन लाइन की भव्य लॉन्चिंग की गई। लॉन्चिंग के शुभ अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि हर बार की तरह स्टेट बैंक मुख्य शाखा आजमगढ़ से आए हुए श्री सुमित कुमार जी और हमारे संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री प्रदीप कुमार सिंह जी और हमारे सम्मानित ग्राहक गढ़ और हमारे सम्मानित स्टाफ ने मिलकर संयुक्त रूप से केक व फीता काट कर किया। इस गाड़ी का जैसे एन लाइन यन सीरीज की एक डिमांड चल रही है, यूथ में देखा जाए अगर तो यन सीरीज का एक लोगों को लग रहा है कि यन सीरीज की गाड़ियां अच्छी हैं, इसलिए क्रेटा जैसे हुंडई ने पहले 2 मॉडलों में एन लाइन का प्रयोग किया था, i20 और वेन्यू में, थर्ड टाइम इन्होंने ये दिया है क्रेटा एन लाइन का। एक हमें हमारे तर्कस हुंडई के तर्कस में एक और एक नई तीर जोड़ी गई है जिसका नाम क्रेटा एन लाइन रखा इन्होंने। और कुछ इसमें बेसिक चीज़ें हैं जैसे 1.5 लीटर के इंजन में कोई टर्बो GDI गाड़ी नहीं आती थी जो इन्होंने लॉन्च किया इस इंजन में, तो एक 160 BHP की पावर जनरेट कर रही है ये और 253 नैनोमीटर कटार की जनरेट कर रही है। ADAS के अगर देखे जाएं तो 2.0 के कुल 19 फीचर्स जो हैं वो इस गाड़ी में समायोजित किए गए हैं, साथ ही साथ ब्लू लिंक की फैसिलिटी दी गई है जिसमें 60 प्लस ऐसे फीचर्स हैं जो उपभोक्ता अपने सेल फोन से गाड़ी को अटैच करके उसकी सारी चीज़ों को डील कर सकता है अपने सेल फोन के माध्यम से। और जहां तक सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के दृष्टि से हुंडई ने पहले भी अपने सभी मॉडलों में 6 एयरबैग कर दिया है, ABS, EBD, HAC, VCM ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। ये गाड़ी जो है एन लाइन सीरीज 2 वेरिएंट कहा जाए इसको, 2 वेरिएंट में आपको मिलेगी N8 और N10। इसमें जी N8 की अगर बात किया जाए तो 16,82,300 एक शोरूम से शुरू है और N10 की बात की जाए तो 19,34,300 एक शोरूम से शुरू है। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि एन लाइन सीरीज में अभी तक जो भी गाड़ियां आ रही थी वेन्यू या फिर i20 एन लाइन, उसमें जो है आपको मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं मिलता था, जबकि एक नई चीज़ इसमें क्रेटा एन लाइन में आई है कि आप मैनुअल ट्रांसमिशन भी ले सकते हैं और DCT डुअल क्लच ट्रांसमिशन इसकी विशेष उपयोग खासियत है जो कि एन लाइन की सीरीज की गाड़ियों में आती है।
ये तीन कलर में गाड़ी उपलब्ध है, तीन कलरों में मिलेगी और तीनों कलर में डुअल टोन भी मिलेगा, जैसे गाड़ी का कलर और छत का कलर दोनों में थोड़ा सा वाइट ब्लैक का कॉम्बिनेशन हो सकता है, इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। और ये गाड़ी काफ़ी आकर्षक है, यूथ जनरेशन के लिए जो है वो काफ़ी डिमांडिंग नज़र आ रही है। ग्राहक को मैं पहले धन्यवाद दूंगा कि लोग हमारे आमंत्रण पर यहाँ आए और हमारी गाड़ी का अनावरण कराएं। दूसरी चीज़ ये है कि जनपद वासियों से मेरी अपील है कि मेरे पास टेस्ट ड्राइव वाहन उपलब्ध है और डिस्प्ले कार भी उपलब्ध है। मेरा वाराणसी रोड पर चक खरुल्ला बलीसा में ये मेरा शोरूम है, यहाँ पर आएँ या फिर किसी भी माध्यम से हमें सूचित करें ताकि हम उनको वहाँ उनके डेस्टिनेशन पर जा कर के भी टेस्ट ड्राइव दें, फील कराएँ कि व्हाट अबाउट द एनलाइन, एनलाइन की सीरीज में हम क्या विशेष दे रहे हैं, क्या कस्टमर्स को फीलिंग आ रही है। तो एक मेरी जनता से गुजारिश है, जनपद वासियों से गुजारिश है कि एक बार हमें सेवा का अवसर जरूर दें। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और नवनिर्वाचित MLC विजय बहादुर पाठक का अपने गृह जनपद आगमन पर दर्जनों स्थानों पर भव्य स्वागत हुआ। इस अवसर पर श्री पाठक ने मोदी और योगी सरकार की नीतियों के आधार पर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत का दावा किया। अपने गृह जनपद आगमन पर जहां कार्यकर्ताओं ने पाठक का भव्य स्वागत किया, वही स्वागत से अभिभूत होते हुए उन्होंने कहा कि BJP कैडर आधारित पार्टी है जो मेरे जैसे कार्यकर्ता को दूसरी बार MLC बनाकर सम्मान बढ़ाया है। आगे भी कार्यकर्ताओं को उचित योग्यता के आधार पर सम्मान मिलता रहेगा। उन्होंने लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीटों पर जीत का दावा करते हुए मोदी जी को तीसरी बार PM बनाने की अपील की। इसका जो लोकसभा का चुनाव निश्चित तौर पर जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। और खड़ी क्यों है? क्योंकि जब कोई भी दल सत्तारूढ़ दल होता है तो उसकी उपलब्धियों की जो पुस्तिका होती है उसके आधार पर वो चुनाव होता है। 10 वर्षों में हमारे पास लंबी फेहरिस्त है जिसके आधार पर हम आम जनता में जा रहे हैं और जनता हमारी इन बातों को महसूस कर रही है, इसलिए वो नारा लगा रही है अब की बार 400 के पर। अखिलेश यादव PDA कह रहे हैं, PDA में तो 85% हो गया, बचा क्या? देखिए वो तो किस बात, PDA किस बात के लिए कर रहे हैं? वो जाति की बात कर रहे हैं, हम तो सभी समाज की बात कर रहे हैं। हमने निर्णय लिया, कोई एक आदमी, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि एक व्यक्ति, एक नेता बताए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जाति और मजहब के आधार पर कोई योजना शुरू की हो। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे और जाति और मजहब के आधार पर योजना शुरू करते थे। तो जाति और मजहब के आधार पर देश चलेगा या सबको जोड़ के चलेगा? हमने कहा योजना की सबको मकान, सबको इल्ला, सबको शौचालय, सबको अनाज। अच्छा, ये ओम प्रकाश राघवन जो आपके सहयोगी हैं उनके पीले झंडे थाने में उतरवाए जा रहे हैं, गमछे जो थाने में उतरवा लिए जा रहे हैं? नहीं, ओम प्रकाश राजभर मेरे पार्टी के सहयोगी हैं, सहयोगी दल हैं, उनका अपना दल है, अपने दल के कार्यकर्ता हैं, उनको संगठित करना है, उनसे काम कराना है, स्वाभाविक रूप से अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को दल वो चलाएंगे, हमारे सहयोगी हैं तो दल वो चलाएंगे, तो अपने दल की रणनीति कैसे बनाएंगे, दल के कार्यकर्ताओं को कैसे समझाएंगे, तो उनका विषय। शाह आलम गुड्डू जमाली अब MLC हो चुके हैं, क्या आजमगढ़ में उनके वोटर्स कुछ फर्क पड़ता है लोकसभा के चुनाव में? भाई ये तो जिन लोगों ने शामिल करा गुरु उत्तर तो वो देंगे। भाई निश्चित तौर पर घबराहट स्पष्ट है ना, इसी जिले में 2 MLC समाजवादी पार्टी थी, लोगों को लगता है कि समाजवादी पार्टी का घर है और घबराहट कितनी। अच्छा, कितनी सीटें देख रहे हैं UP में? लक्ष्य 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक सीट पर परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए उस सीट को जिताने का यत्न करेंगे। वेदांता इंटरनेशनल स्कूल पर बच्चों के सर्वांगीण विकास में माताओं की भूमिका कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सर्वप्रथम आए हुए सभी अतिथियों को तिलक लगाकर व गुलाब को फूल भेंट कर स्वागत किया गया। तत्पश्चात विशिष्ट अतिथि हिना देसाई के साथ ही डॉक्टर मनीषा मिश्रा, अमित लता सिंह, अनामिका पालीवाल, विजय लक्ष्मी मिश्रा, डॉक्टर पूनम सिंह, डॉक्टर पूनम तिवारी, अनीता द्विवेदी, आशा सिंह, विभा पांडे आदि ने दीप प्रज्वलित कर तथा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत किया गया।
तत्पश्चात उपस्थित मात्र शक्तियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किया, जिसमें आशा सिंह वरिष्ठ कवियत्री ने हो कामयाब आपके कदम बुलंदी पर सपना बनर्जी ने मत समझो लाचार मुझे मैं भारत की नारी हूँ सुनाकर उपस्थिति सभी को उत्साह से लबरेज कर दिया। वक्ताओं के क्रम में अनुपमा अग्रवाल ने अपने संबोधन में नारी को ही नारी को दुश्मन बताया तथा कहा कि नारी जब नारी का सम्मान करेगी तभी महिला सशक्त होगी। डॉक्टर मनीषा मिश्रा ने कहा कि माँ बच्चों में सर्वप्रथम भाषा का विकास करती है, इसलिए माताओं को परिवार में भाषा में संयम बरतना चाहिए। डॉक्टर पूनम तिवारी ने महिलाओं को अपने अधिकार व कर्तव्यों के प्रति सचेत रहने के साथ ही अपने बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए सतत प्रयासरत रहना चाहिए। पूनम सिंह ने मिमिक्री कर सभी लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। वक्ताओं के क्रम में डॉक्टर स्वास्ति सिंह ने महिलाओं को स्वस्थ रहने की सलाह देते हुए कहा कि नारी का स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक स्वस्थ नारी ही स्वस्थ परिवार व स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकती है। विशिष्ट अतिथि हिना देसाई ने सभी कमजोर व अशिक्षित महिलाओं को भरपूर समर्थन व सहयोग देने की बात कही। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि राजकुमार बैठा, न्यायिक मजिस्ट्रेट सगड़ी, विशिष्ट अतिथि हिना देसाई, डॉक्टर स्वास्ति सिंह और अर्चना सिंह वेदांता इंटरनेशनल स्कूल की संरक्षिका ने सभी को अंगवस्त्रम व सम्मान पत्र भेंट कर सम्मानित किया, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर मनीषा मिश्रा अध्यक्ष साहित्यानुरागी, शिरीन बानो महिला पुलिस, मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल सपना बनर्जी, दूरदर्शन कलाकार व वरिष्ठ गायिका डॉक्टर पूनम तिवारी अध्यक्ष नारी शक्ति संस्थान, आयशा खान प्रधानाध्यापिका कंपोजिट विद्यालय रानी की सराय, अमितलता सिंह अध्यक्ष इनर व्हील क्लब, सुमन राजपूत प्रखर सेवा समिति वीरांगना, डॉक्टर नेहा दुबे अध्यक्ष नारी शक्ति संस्थान, अन्नपूर्णा अग्रवाल अध्यक्ष वैश्य महिला समाज, साक्षी पांडे सामाजिक कार्यकर्ता, मीरा अग्रवाल अध्यक्ष अग्रसेन महिला मंडल, विजय लक्ष्मी मिश्रा श्री बाबा विश्वनाथ सेवा समिति मैं हूँ ना, डॉक्टर आशा सिंह वरिष्ठ कवियत्री, लीना देवी शर्मा आंगनबाड़ी, पूनम सिंह सचिव जन सेवा समिति महिला मंडल, चंदा आजमी वरिष्ठ तबला वादक, सुधा तिवारी ब्यूटिशियन, बबीता जससरिया बीजेपी महिला मोर्चा, डॉक्टर अलका सिंह सामाजिक कार्यकर्ता, अनिता द्विवेदी वाइस प्रेसिडेंट एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया, डॉक्टर पूनम सिंह जिला उपाध्यक्ष भाजपा, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा समाज सेवी, अनामिका पालीवाल अध्यक्ष अभ्या महिला सेवा संस्थान, अरुणिमा सिंह मैनेजिंग डायरेक्टर डांस क्लब, चमेली सफाई कर्मी और नीलम चौहान शिक्षिका वेदांता इंटरनेशनल स्कूल आदि रही। इसके साथ ही उपस्थित सभी अभिभावकों को भी अंगवस्त्रम व सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि राजकुमार बैठा, विशिष्ट अतिथि हिना देसाई और डॉक्टर स्वास्ति सिंह को शिव गोविंद सिंह प्रबंध निदेशक वेदांता इंटरनेशनल स्कूल ने अंगवस्त्रम, प्रतीक चिन्ह व सम्मान पत्र भेंट कर सम्मानित किया तथा आगंतुक सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन दामिनी सिंह और सुनील तिवारी ने संयुक्त रूप से किया तथा प्रधानाचार्य जुबैर अहमद ने सभी का स्वागत किया। इस अवसर पर भारी संख्या में अभिभावकों के साथ ही माधुरी दुबे, सोनम सिंह, कुमकुम दुबे, अनीता सिंह, श्वेता राय, आरती सिंह, रीना यादव आदि रहे। हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 20,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 ओम प्रकाश वर्मा की अदालत ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादिनी मुकदमा कांति सिंह पत्नी जितेंद्र सिंह निवासी टोडरपुर थाना महनगर की गांव के चंद्रभान यादव आदि से पुरानी रंजिश चली आ रही थी। बरसों पहले चंद्रमन के पिता राम जियावन की हत्या हुई थी। इस हत्या में कांति सिंह के पति जितेंद्र सिंह मुलजिम थे। जितेंद्र सिंह 25 मई 2012 को दिन में 12:15 बजे जितेंद्र सिंह दवा लेकर घर वापस आ रहे थे। तभी गांव के निकट चंद्रमन यादव, रामशब्द यादव, राकेश तथा मनोहर ने रोक कर गोली मार दी।
जिससे मौके पर ही जितेंद्र सिंह की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। दौरान मुकदमा आरोपी चंद्रमन की मौत हो गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक कुमार मिश्रा ने कांति सिंह, दयाशंकर, उप निरीक्षक जगदीश कुशवाहा, डॉक्टर एजे उस्मानी, विवेचक रामकृष्ण द्विवेदी, कांस्टेबल अरविंद यादव तथा हेड कांस्टेबल जलील अहमद को बतौर साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी राकेश यादव, मनोहर यादव तथा रामशब्द यादव को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 20,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के सुपर स्पेशलिस्ट बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों ने शहर के एक होटल में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मेदांता से आए वरिष्ठ बाल चिकित्सकों ने बच्चों की बीमारी में आई आधुनिक तकनीक व उपचार के विषय में चर्चा की। स्वास्थ्य गोष्ठी में बाल कैंसर व रक्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंशुल गुप्ता ने बचाव व इलाज की जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों में खून की कमी होने पर बच्चों में जो लक्षण दिखते हैं, उनमें से सिरदर्द, सांस फूलना, आंखों का पीला, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना आदि प्रमुख हैं। रक्त संबंधी विकार हल्के से लेकर जानलेवा तक हो सकते हैं। ब्लड डिसऑर्डर से जुड़ी किसी भी समस्या में तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया जाना चाहिए। बाल हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोली श्रीवास्तव ने बताया, जन्मजात दिल के दोष उम्र के हिसाब से अलग होते हैं। शिशुओं में मुश्किल या तेजी से सांस लेना, अच्छे से स्तनपान न करना, पसीना आना या स्तनपान करते समय सांस चढ़ना, होंठ या त्वचा का नीला पड़ना, साइनोसिस या वजन न बढ़ना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कम उम्र से ही दौड़ने, साइकिल चलाने और खेलने से बच्चों में मजबूत दिल की नींव पड़ती है। ये एक्सरसाइज दिल को पंप करती है। बच्चों को हर दिन दौड़ने, कूदने और खेलने के बहुत सारे मौके मिलने चाहिए। 6 से 17 साल के बच्चों को हर दिन कम से कम 1 घंटा शारीरिक गतिविधि जरूर करनी चाहिए। मेदांता से आई बाल मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा तिवारी ने बच्चों में मिर्गी रोग पर चर्चा में बताया कि मिर्गी के लक्षण बेहोश होना, बोलने में समस्या होना, भावनाओं में बदलाव, तनाव, बात को समझने में परेशानी, बच्चों का एक तक एक ही जगह पर देखना, सांस लेने में परेशानी, मांसपेशियों में दर्द इत्यादि है। मिर्गी का यदि सही तरीके से देखभाल और इलाज किया जाए तो इसे ठीक किया जा सकता है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि बच्चों के जो ब्लड से संबंधी डिसऑर्डर्स हैं उसके प्रति जागरूकता पैदा की जाए समाज में, एवं हम ये चाहते हैं कि जो ब्लड की समस्याएं हैं जैसे हीमोग्लोबिन कम होना, प्लेटलेट कम होना, WBC काउंट कम होना, ब्लड के कैंसर होना, इन सब चीज़ों के बारे में हमारे समाज में और चिकित्सक के स्तर पे भी पूरे पूर्वांचल में एक जागरूकता पैदा की जाए कि क्या इलाज होना चाहिए उन बच्चों का और कब उनको टाइमली रेफ़र करना चाहिए। तो ये ही मकसद है हमारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने का। देखिए, खून का कम होना बहुत ही एक आम बात देखी जाती है हमारे समाज में, और जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है बच्चे का चिड़चिड़ापन बढ़ता चला जाना, भूख कम लगना, बच्चा बहुत परेशान करता है खाने पीने में और सफ़ेद पड़ने लगता है। माँ बाप अक्सर ये कहते हैं कि हमारा बच्चा धीरे धीरे करके सफ़ेद या पीला पड़ता जा रहा है। तो सबसे अच्छे जो इम्पोर्टेंट लक्षण होते हैं वो यही होते हैं जिससे हम पकड़ते हैं कि बच्चे को एनीमिया है। सिमिलरली यदि किसी बच्चे की प्लेटलेट कम होती हैं तो कहीं से भी उसके छोटे छोटे लाल चकत्ते पड़ना या कहीं से ब्लीडिंग होना, क्योंकि प्लेटलेट का काम होता है ब्लीडिंग को बॉडी में रोकना, तो नाक के जरिए या लैट्रिन के जरिए कहीं से भी ब्लड आना या उल्टी में ब्लड आना, ये सब दर्शाता है कि उसके ब्लड में प्लेटलेट की बहुत कमी है। अगर WBC काउंट कम होता है तो WBC चूँकि एक इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स होते हैं, तो जब वो उनकी मात्रा कम होती है तो बच्चे को तेज़ बुखार, ठंड लग के तेज़ बुखार आना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होना, बच्चा मतलब शिथिल सा हो जाता है। तो इन सिम्टम्स को यदि हम टाइमली पहचानें और उनका
उनको ट्रीट करने के लिए किसी निकटतम डॉक्टर से संपर्क करें तो शायद ये बीमारियां जल्दी डायग्नोस हों और जल्दी हम उसका उपचार कर पाएं। और बच्चों में हृदय रोग बिल्कुल अलग होते हैं। बच्चों में हृदय की बनावट, जो माँ के गर्भ में जब हृदय बनता है तो उसकी बनावटी गड़बड़ी की वजह से बच्चों को हृदय रोग होता है, और बड़ों को जो होता है वो हार्ट के चारों तरफ जो धमनियाँ होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम डिपॉजिट की वजह से होता है। तो दोनों के लक्षण भी अलग होते हैं और दोनों का जो ट्रीटमेंट है वो भी बिल्कुल अलग होता है। तो कैसे हम पहचानेंगे? अगर किसी बच्चे को हार्ट की दिक्कत होती है तो दो तरह की संभावनाएँ हो सकती हैं। या तो बच्चे को हार्ट फेलियर सिम्टम्स होंगे जिन्हें हम कहते हैं, जिसमें कि बच्चा तेज़ तेज़ सांस लेता है, बच्चे का वज़न नहीं बढ़ता है, दूध पीते पीते बच्चा थक जाता है और उसके माथे पे पसीने आते हैं, और एक लक्षण ये भी होता है कि बच्चे का वज़न बिल्कुल नहीं बढ़ता है, अपनी उम्र के हिसाब से बच्चा बहुत छोटा दिखता है और बार बार उसको निमोनिया होता है जो कि जानलेवा भी हो सकता है। या फिर एक ग्रुप, बड़ा ग्रुप होता है साइनोटिक हार्ट डिजीज जिसे हम कहते हैं, जिसमें कि बच्चा जो है वो रोते रोते नीला पड़ने लगता है और कभी कभी इस नीलेपन में बच्चे दम भी तोड़ देते हैं। और विडंबना ये है कि इन सभी बीमारियों का बहुत ही अच्छा इलाज है, बशर्ते हम उस इलाज तक पहुंच पाएँ जो कि अब हमारे बहुत नज़दीक है। और पहले यहाँ मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में इतना बच्चों के हार्ट सर्जरी नहीं हो रही थी, बट अब चीज़ें बदल रही हैं, बच्चों की हार्ट की सर्जरी होती भी हैं और बहुत सक्सेसफुल भी होती हैं अगर समय रहते उनका इलाज हो जाए। तो बच्चों में न्यूरोलॉजी के जो रोग हैं वो ऑलमोस्ट वही हैं जो बड़ों में होते हैं। जैसे कि सबसे पहले न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, मतलब मस्तिष्क का उम्र से कम विकास होना, जिसमें बच्चा अपनी उम्र की समझ को पा नहीं पा रहा है। तो इसमें कॉमन, जो सबसे कॉमन बीमारी है वो है सेरेब्रल पाल्सी, जो कि पैदाइश के दौरान, पैदाइश के पहले या पैदाइश के बाद भी बच्चे के ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी के कारण होने वाली डैमेज से होता है। तो पहली हो गई सेरेब्रल पाल्सी। दूसरा हो गया अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, मतलब कि एक जगह ध्यान ना लगा पाना, अपना मन ना लगा पाना, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं, शरारती होते हैं, और सब बच्चे शरारती चंचल होते हैं, लेकिन इतनी शरारत या चंचलता होना कि वो अपना नॉर्मल रूटीन का काम ना कर पाए, ये एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है जो कि हमें कई बार काफ़ी देर उम्र के बाद पता चलता है। तीसरा है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसमें बच्चों का सोशल व्यवहार, मतलब जो आपसी अपने उम्र के बच्चों से घुल मिल पाना, अच्छे से अपनी बात ना समझा पाना, कम्युनिकेशन की दिक्कतें ये होती हैं। इसके अलावा एक कॉमन बच्चों के न्यूरो की बीमारी मिर्गी, जैसे मैंने आपको बताया 100 में से 1 से 2 बच्चों को मिर्गी होती है, और बच्चों में ये काफ़ी हद तक ट्रीटेबल होती है, काफ़ी हद तक इसका इलाज संभव है। इसके अलावा जो बड़ों में होते हैं जैसे फालिश, वैसे बच्चों में फालिश के कई कारण हैं, मांसपेशियों की कमज़ोरी के कई कारण हैं, उनके कारण ढूंढ के हम इनके इलाज कर सकते हैं। इन सारी समस्याओं के अलावा और भी, जैसे कि ब्रेन में इन्फेक्शन होना, मेनिनजाइटिस जिसको कहते हैं, ब्रेन की कवरिंग जो मेनिनजाइटिस होती है उसमें इन्फेक्शन होना, ब्रेन के अंदर पस पड़ जाना, ब्रेन के इन्फेक्शन हो जाना, रीढ़ के इन्फेक्शन हो जाना, ये सारी समस्याएं बच्चों के न्यूरोलॉजी की समस्याएं। मेदांता लखनऊ से आई डॉक्टरों की टीम ने रेनबो चिल्ड्रेन हॉस्पिटल में आयोजित निःशुल्क चिकित्सा एवं जांच शिविर में लगभग 229 मरीजों का उचित इलाज व परामर्श प्रदान किया। इस अवसर पर रेनबो चिल्ड्रेन हॉस्पिटल के जिले के वरिष्ठ डॉक्टर दीपक पांडे ने मेदांता से आए डॉक्टरों को धन्यवाद दिया व भविष्य में भी इस प्रकार के निःशुल्क कैंप व संगोष्ठी का आयोजन किए जाने की बात कही। रेनबो अस्पताल में एक कैंप लगा था जिसमें विभिन्न विधाओं के डॉक्टर आए थे, जैसे एक डॉक्टर जो थे वो बच्चों के दिल के डॉक्टर थे, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट थी, और डॉक्टर रोली मैडम थी जो कि न्यूरोलॉजी देखी थी, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी देखती है, और एक पीडियाट्रिक हिमाटोंक करके ब्रांच होती है जिसमें ब्लड कम होना, एनीमिया होना या ब्लड में कैंसर होना,
ऐसी बीमारियों के 3 स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए हुए थे, जो कि चूँकि हमारा अस्पताल जो रेनबो अस्पताल है एक रिमोट एरिया में पड़ता है और यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों की थोड़ी कमी है, तो ये एक प्रयास है कि इन विशेषज्ञ चिकित्सक जो कि बड़े शहरों के, इनको महीने में एक बार बुला करके जो ऐसे मरीज हैं जो ज़रूरतमंद हैं और जा नहीं सकते हैं इतने दूर, उनको मुफ्त चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास है और इसी प्रयास के तहत इन लोगों को बुलाया गया था और ऐसी आशा करते हैं कि आगे भविष्य में भी महीने में एक बार या दो बार ऐसे कैंप का आयोजन किया जाएगा ताकि यहाँ के मरीज लाभान्वित हो सके। अभी जो आज का हमारा कैंप था इसमें करीब करीब 135 लोगों ने प्रतिभाग किया, 135 लोगों ने जो प्रतिभाग किया ये न्यूरोलॉजी के थे। इसके अलावा हिमेट ऑंक में चूंकि कम मरीज थे उसमें करीब करीब 32 मरीज थे तथा पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी के करीब 62 मरीजों ने प्रतिभाग किया है, जिनका इन लोगों ने चिकित्सकीय परीक्षण किया है, निःशुल्क सलाह दी है, कुछ जो जरूरी दवाइयाँ थी वो भी वितरित की गई है। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, अ CBSE बोर्ड कोएड इंग्लिश मीडियम स्कूल, अ प्लेस फॉर योर लवली किड्स इन योर नियर बाय विसिनिटी। Paradise International School focuses on the overall development of a child academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th CBSE board. Niswa Girls College Paharpur Azamgarh ke sabse purane colleges mein se ek hai, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और NEET की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशन के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट सेल, स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा, एडिशनल ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED TV, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल या RTO ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। अफिलियेटेड टू CBSE। एडमिशन ओपन फ्रॉम क्लासेज नर्सरी टू 9 एंड 11।
जहां है हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, एडवांस्ड लैब्स, मैग्निफिसेंट लाइब्रेरी, ह्यूज प्लेग्राउंड विद लश ग्रीन कैंपस, सेपरेट ग्राउंड फॉर प्री नर्सरी, सेपरेट क्लासेस अवेलेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज. वी ऑल्सो ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स, म्यूजिक, स्मार्ट क्लासेस एंड मेनी मोर फैसिलिटी अवेलेबल.